बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है ग्रेविटेशन का, वो बेसिकली कहाँ से आया। अगर देखा जाए तो हमें पता चल रहा है ग्रेविटेशन के नाम से ही कि ग्रेविटेशन का जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है। वो निकला है ग्रेविटी से। ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया सर आइज़क न्यूटन ने। आइज़क न्यूटन कौन थे? ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, वापस नीचे आता है। और ये इनके जहन में ये बात आई कैसी, 1665 में इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एक एप्पल्स का ट्री है, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, एप्पल ट्री है, उसके ऊपर जाहिर सी बात है एप्पल का ट्री है तो एप्पल लगी हुई है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल क्या करता है, वो नीचे ग्राउंड में आकर गिरता है। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो एप्पल है वो ज़मीन पर ही गिरा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एप्पल आसमान पे गया। ऐसा क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस एप्पल को ज़मीन पर गिरा रही है। उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, हर चीज़ को देखा कि कैसे कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर फेंकते हैं और वो वापस क्या करता है, डाउनवर्ड नीचे आता है। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट कर रही है। उस फोर्स को उन्होंने कह दिया कि ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ही पता चल रहा है, ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड लाती है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करें ये हमारे पास बॉल है, जब इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट करते हैं तो बॉल क्या करता है, वापस दोबारा नीचे आता है। वापस दोबारा बॉल नीचे आने की क्या वजह होती है, नीचे आने की ये वजह होती है कि यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस डाउनवर्ड लाती है। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा ज़मीन पर लाती है, उस फोर्स को उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दे दिया। न्यूटन ने क्या बताया, बेसिकली उसने ये बताया कि ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड एक्ट करवाती है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। हम देखते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली ग्रेविटेशन के जो लॉ है उसमें हमें क्या बताया गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। यानी बॉडी, कोई भी बॉडी हो जो कायनात में हो, वो क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैसेस, जिसका डायरेक्ट लिंक किसे होता है, उसके मैसेस के साथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उसके सेंटर्स के दरमियान में क्या होता है, उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी ये है जिसका मैस हमारे पास एम, और यहाँ पर हम एक सपोज कर लेते हैं एक बॉडी ये है, इसका मैस हमारे पास क्या है m2, ये हमारे पास m1 हो गया, ये हमारे पास हो गया m2। अब ये दो ऑपोजिट बॉडीज हैं, ये क्या करती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब जाहिर सी बात है जब दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी तो किसी ना किसी फोर्स से करेंगी, यानी यहाँ पर भी एक फ़ोर्स लग रही है और यहाँ पर भी एक फ़ोर्स लग रही है। ये बॉडी और ये बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होती है। अब यहाँ से लेकर बॉडी का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं डी स्क्वेयर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, डी स्क्वेयर। अब देखें स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन में कहा गया था कि हमारे पास कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है, उसकी प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के साथ, यानी हम कह सकते हैं एफ का डायरेक्ट रिलेशन है एम वन और एम टू के साथ। अब स्टूडेंट एक चीज़ समझें, जितना ज़्यादा बॉडी का मैस होगा उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी। सपोज करते हैं अगर हमारे पास कोई छोटी बॉडी है, सपोज करें हमारे पास एक ये बॉडी है और एक हमारे पास ये बॉडी है, अब जाहिर सी बात है इस बॉडी के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इस बॉडी के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, बॉडी के हर पार्टिकल पर लगती है, यानी इसका मैस अगर कम है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या करेगी, कम लगेगी, इसका मैस अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या करेगी, ज़्यादा लगेगी।
कॉमन सेंस की बात है, जिस बॉडी के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, जिस बॉडी के पार्टिकल्स कम होंगे वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगी। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास फोर्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा, उसके मैसेस के साथ। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन क्या है उसके मैसेस के साथ, और इनवर्स रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन होता है उसके डिस्टेंस के साथ। अब ये भी हम एक चीज़ से समझ लेते हैं, कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो भी चीज़ या कोई भी बॉडी वो ग्रेविटी से ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर जाती है तो उस पर ग्रेविटी क्या करती है, कम एक्ट करती है। अगर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बॉल है ठीक है, अब मैं इस बॉल को ऊपर फेंकती हूँ, अभी बॉल यहाँ पर आ गया ठीक है, और एक बॉल यहाँ पे है, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगी क्योंकि इसका ज़मीन से डिस्टेंस कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी, डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ठीक है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कम डिस्टेंस होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी ठीक है। इससे हम कहते हैं कि जो फोर्स है उसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, उसके डिस्टेंस के साथ। अब स्टूडेंट्स हम इनको कंबाइन कर देते हैं ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये एफ और ये एफ है, तो यहाँ लिख देंगे एफ डायरेक्ट रिलेशन एम वन एम टू ओवर डी स्क्वायर। अब जो ये साइन होता है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस साइन को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, जो कांस्टेंट हम इसके जगह यूज़ करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर डी स्क्वायर। अब जी जी जो आपके पास है, बेसिकली इस जी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो जी है ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, चेंज नहीं होती, और जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी ज़मीन पे जो है। अब हम यहाँ पे इसकी ग्रेविटी की वैल्यू लिख देते हैं, वो हमारे पास है 6.673 मल्टीप्लाई 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। याद रखिएगा ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में डिफरेंस है ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू ये है। स्टूडेंट्स आपने ये वैल्यू याद भी करनी है, याद इसलिए करनी है क्योंकि हमारे जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे रिलेट करते हैं ठीक है। ओके स्टूडेंट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम समझते हैं, ये हम बेसिकली क्या करते हैं, पिछली एग्जांपल से ही समझते हैं। जिस हमने पहली एग्जांपल में बनाई थी, डायग्राम्स दो बनाई थी, जिसमें हमने कहा था एक बॉडी ये है इसका मैस एम वन है, एक बॉडी ये है इसका मैस हमारे पास क्या था एम टू। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस क्या करती हैं, एक दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस हमने कहा था वो हमारे पास बेसिकली क्या था, डी स्क्वायर था। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ये समझते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अब देखिए, हमारे पास अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि दो बॉडीज जो होती हैं वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी एक्शन करती है, दूसरी बॉडी पर रिएक्शन जब होता है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों का काम एक ही होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, पर उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।